हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये कृष्णा इधर बैठ के हेलो कर रहा है, यहाँ पे बैठो। जाओ। आज तो आज क्या तो आ रहे हैं बसंत पंचमी। ये भी बोल रहा है चेक चेक। तो बसंत पंचमी की जो पूजा होती है ये हमारे यहाँ पे शाम को की जाती है। तो आज हमने ये नारियल है जो हमें मंदिर में से मिला था, काली माता के मंदिर में से, इसका इसने बनाना है। क्या बनाना? आज मिठाई बनाते हैं तो सफेद मिठाई बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए नारियल रखा है तो इसकी बना लेंगे नारियल की बर्फी। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं नारियल की बर्फी बना लेती हूँ और बनेगा हलवा पूरी। शाम को पूजा होती है हमारे यहाँ पे, तो बस मैंने सोचा कि वैसे तो टाइम बच गया है, ढाई एक कटोरी तो लेके आओ बेटे, तो 2:30 बज गए हैं। मैंने सोचा कि 3 बजे तक बेटियां जाएंगी, दोनों भी पीहू ट्यूशन जाएंगी और जब तक ये आएंगी तो जब तक पूजा की सारी तैयारियां हो जाएंगी। तो ये आए हुए थे दुकान से, तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ तो काम करें और नारियल जो है कुछ तो फायदा उठाया जाए। फायदा नहीं, मतलब जो नारियल है, ये कहा जाता है कि जो नारियल है वो औरतें नहीं तोड़ती हैं, आदमी ही फोड़ते हैं। तो मैंने इन्हें बोला कि आप फोड़ दो, और इन कामों में जान चाहिए तो इनमें ज्यादा जान है, मेरे में तो जान है नहीं। तो बस अब ये नारियल फोड़ देंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगी बर्फी, फिर हलवा पूरी बनाऊंगी और ये बच्चों को छोड़ते चले जाएंगे ट्यूशन। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये बसंत पंचमी आपके सारे रुके हुए काम पूरे कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इन्होंने छील लिया है नारियल और अब इसके अंदर से ये निकाल देंगे जो कच्चा नारियल है। ये इसकी जो बर्फी बनती है बहुत टेस्टी बनती है और टेस्ट बिल्कुल आता है मिल्क केक जैसा, और ज़्यादा टाइम इसको बनाने में नहीं लगता। तो मैं भी इनके पास बैठकर ही काजू बादाम और जो पिस्ता है वो काट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे हलवे में भी डालना था और मिठाई में भी डालना है जो बर्फी बनाऊँगी मैं। तो इन्हें जाना था फिर बुटीक पे, तो ये सारा ये जो नारियल है इसको छील के छिलके वगैरह डाल के ये चले गए थे बुटीक पे, और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। यहाँ पर मैंने जो नारियल लिया है उसके ऊपर का जो छिलका है मैं वो उतार रही हूँ, वो नहीं डालना है बर्फी में। और इसको सारे को अच्छी तरीके से धोकर छोटे छोटे पीस करके हमें मिक्सी में डाल के इसको पीसना है, पेस्ट बनाना है, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक ये हो जाएगा वैसा हमें इसको बनाना है। तो ये देखिए पिस गया है अच्छे तरीके से, और इसको अब हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मेजरमेंट कप है उसी से मैंने इसको नाप लिया है, तो ये लगभग 1.5 कप के बराबर था नारियल का बुरादा जो हो गया है ये, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें आगे इसमें सामान डालना है। आज मैं आपको फटाफट से बता दे रही हूँ, अगली बार कभी मैं बनाऊँगी तो आपको फुर्सत से बताऊँगी। तो 1.5 कप यहाँ पर बुरादा हो गया है नारियल का, और उसी कप से नाप के हमने ले लिया है 1 कप मिल्क पाउडर। तो इसको कम आंच पे करके हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे जो नारियल को हमने पीसा है, बुरादा बनाया है जिसका उसको, और फिर जो मतलब कप है उसी का ही आधा, मतलब जो बर्तन आपने लिया है उसका आधा हमें डालना है दूध। तो यानी कि एक कटोरी हमारी क्या बोलते हैं इसको बुरादे की है, तो उसमें आधा कटोरी हमने डाल दिया है दूध। और इस दूध को थोड़ा सा पकने के बाद, 1-2 मिनट पकने के बाद यानी कि, तो थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे इसमें मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर आप एक साथ मत डालिएगा, गांठ बन जाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिए आप। और जब ये मिक्सचर बिल्कुल सूख सा जाए, मतलब एकदम से ड्राई हो जाए, दूध सारा हो जाए जब इसके अंदर चला जाए, तो उसके तब तक हमें इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर ही। उसके बाद हमने डाल दी है इसमें चीनी, तो चीनी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। यहाँ पर जैसा कि मेरे पास 1.5 कप नारियल का बुरादा था, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप मैंने चीनी डाली है, ज़्यादा चीनी नहीं डाली है। अब आपको इसको हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है जब तक कि जो चीनी है वो पूरी तरीके से घुल के सूख सी ना जाए, जैसे कि अब आपको लग रहा है ऐसी ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाले हैं, और अच्छी तरीके से पकाने के बाद मैंने इसको डाल दिया है 1 प्लेट में घी लगा के जमने के लिए, बस जैसे कि मिठाई को जमने के लिए रख देते हैं ऐसे। और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी जो काजू बादाम और पिस्ता मैंने काटा था उसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए, और इसको रख देंगे अब हम फ्रीज में जमने के लिए। तो 15-20 मिनट से ज़्यादा इसको लगेंगी, मतलब मैंने इसको रख दिया था, बाकी मैं तब तक अपने काम करने लगी थी। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा, और हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए फटाफट फटाफट दिखा रही हूँ।
तो हलवा घी लिया है, उसमें मैंने एक कप सूजी ली है। सूजी को अच्छी तरीके से भून लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। तो दूसरी गैस पे मैंने रख दिया था पानी उबलने के लिए, तो पानी भी उबल गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर डालते रहिए, मिक्स करते रहिए। और आज जैसा कि जो खाना है वो पीला या वाइट होता है, तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है येल्लो फूड कलर। और जब ये सूजी सारा पानी ले लेगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो एक कप हमारे पास सूजी थी, तो सूजी के हिसाब से 1.5 कप मैंने इसमें डाली है चीनी। और बस आपको फिर इसको पका लेना है, और बाकी बाद में जो आपके पास ड्राई फ्रूट वगैरह है वो डाल लीजिए। तो लीजिए, हलवा हो गया है हमारा तैयार। बस इसको मैं निकाल दूंगी अभी साथ के साथ ही दूसरे बर्तन में, क्योंकि मैं साथ के साथ बर्तन धो के रखती रहती हूँ, इससे जो काम है वो नहीं बढ़ता। और बस लीजिए, हलवा हो गया है तैयार। और कितना टेस्टी बन के आया है हलवा, देख के ही पता लग रहा है कितना टेस्टी है ये। और बस इसके बाद जो बाकी के काम रहते हैं मैं वो कर लूँगी। तो पंजरी भी तब तक जम गई थी, तो इसको भी मैंने फ्रीज से निकाल के पीसीज में काट दिया है। पहले मैंने बड़े बड़े से पीस काटे हैं इसके, ताकि निकालने में आसानी रहे। और साइडों में से भी ये घी सा जम गया था, तो उसको भी उतारना ज़रूरी था। अगर पंजरी नहीं निकल रही है, मतलब बर्फ़ी नहीं निकल रही है बर्तन से, तो आप इसको हल्का सा गैस पर रख दीजिए, जिससे कि जो नीचे की साइड घी है वो उतर जाए। तो देखिए कितने अच्छे से पीसेज निकल के आ रहे हैं। पहले मैंने बड़े बड़े काटे थे निकालने के लिए, फिर उसके बाद मैंने इनको छोटा छोटा मिल्क केक की सेप दे दिया है। और देखिए कितनी टेस्टी बनी है। उसके बाद बस फिर मैंने बना ली है पूरियाँ फटाफट। और पूरी बनाने के बाद मैंने जो पूजा का सामान है वो सारा तैयार कर लिया था, और उसके बाद बस हमारा रह गया था पूजा करना। तो ये भी आ गए थे बुटीक से, तो ये देखिए मैंने सारी पूजा की तैयारी कर दी है। और अब बस मुझे लगाना है, यहाँ पर बाहर सफाई करेंगे। पहले मैं बोल रही थी कि अंदर ही कर लेंगे पूजा, जहाँ हम दिया लगाते हैं, पर ये कहने लगे कि नहीं, बाहर ही बैठ के करेंगे। तो सोफ़ों की मेज़ हटाकर यहाँ पर मैंने पोचा लगा दिया है, और बच्चों की जो टेबल होती है स्टडी टेबल, उसी के ही ऊपर मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछा कर, माता सरस्वती की, लक्ष्मी की और गणेश जी की, यही मेरे पास फ़ोटो थी, लक्ष्मी जी की सॉरी सरस्वती जी की फ़ोटो अलग से नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इसी को ही रख के पूजा पाठ कर ली। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूजा का सारा सामान ले लिया है, और जो भी खाने में बनाया था वो भी लिया है। हलवा है, पूरी है, जो मिठाई बनाई थी वो है, पंचमेवे हैं, और बेर रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने रखा है कलश, या कलश की स्थापना की है। चावल लेके कटोरी में, उसके ऊपर पानी का लोटा रखकर, और उसमें जो भी खाने पीने की चीज़ें थी सारों का थोड़ा थोड़ा सा डालकर हमने कलश स्थापित किया। और उसके बाद कलश को बांध दिया हमने मौली। उसके बाद कृष्णा के डैडी ने ही जो है सारी पूजा अर्चना की, तो इन्होंने जोत जलाई, माता की आरती वगैरह हमने की है, उनको टिक्का वगैरह लगा के, मतलब अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूजा की है। वैसे तो ये है कि सभी अगर सोचें कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना ज़रूर कीजिए। तो इसी तरीके से बस हमने पहले पूजा पाठ की, उसके बाद कथा की, आरती की, और उसके बाद हमने आगे का कार्यक्रम किया। पूजा होने के बाद जो पूजा की थाली है और जल है, उसको कृष्णा के डैडी पूरे घर में छिड़क रहे हैं। थाली आज जो पूजा की थाली है उसको भी सारे घर में घुमा रहे हैं, जिससे कि जो घर है उसकी भी शुद्धि हो जाए। जल था, पवित्र जल है ये पूजा का, तो वो पूरे घर में इसको छिड़क रहे हैं। और उसके बाद जो ये जल था, इससे हमने इसको हमने चाँद को अर्पित किया, यानी कि चाँद को अर्घ्य दिया, और उसके बाद चाँद की आरती की। तो छत पर आ गए हैं हम, और कृष्णा के डैडी चांद को ढूंढ रहे हैं कि चांद कहाँ है।
तो वो दूसरी साइड निकला हुआ था, मतलब निकला हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो बस देखिए यहाँ पर पानी देकर, चांद को जल देकर, सूरज की, सॉरी चांद की हमने आरती की। उसके बाद नीचे आकर हमने खाना खाया और मैंने अपना किचन का सारा काम समेटा। तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा सुबह जब से मैं लगी हुई थी। तो काम हो गया है पूरा, बर्तन वगैरह धो दिए हैं, किचन साफ कर दिया है और अब है लेटने का इंतजार। और इनका पता आपको क्या कर रही है? जो मिठाई बनाई ना वो लिए बैठे हैं, और जितनी बनाई थी ना मैंने मिठाई, आपने तो देखी कितनी, ये बच रहे हैं उसमें से पीस, कितनी अच्छी लगी। ये बनी बहुत अच्छी रही है और खाने में बड़ी टेस्टी है। इसमें से ना मिल्क केक वाला जैसे मिल्क केक होता है वैसी सेम वैसे ही इसका फ्लेवर है, टेस्ट टेस्ट जो है। खाके देखो, खिलाइयो। बिल्कुल मिल्क केक का टेस्ट है इसमें सर। टाइम भी से बनाने में ज्यादा नहीं लगा, सारा सामान घर का। देखने में भी ऐसे लग रहा जैसे मिल्क केक जो इसमें होते हैं। तो जी आप भी जरूर बनाइए, ये पंजतीन को तो बहुत पसंद आई है, आपके भी घर में पसंद आएगी। तो बस किसको किसको ऐ कौन है वो किसको खिलाते हैं आपको इनको? तो रूही बोल रही है आप सब भी खा लो, लो टेस्टी है ना। तो जी बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान और हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय, शिशु की टाटा रहेगी। बाय।